हेलो दोस्तों, पिछले दो वीडियो में आपने सीखे वुड के दो अलग अलग प्रयोग और आज आप सीखेंगे वुड का तीसरा प्रयोग। याद रखिए दोस्तों, जब भी आपको यह बताना हो कि किसने क्या किया यानी कि कौन क्या कर पाया, तब आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको बताना रहे कि कौन क्या करने के लिए तैयार हो गया था, तब भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। वुड के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। आई वुड ग्रेजुअली लर्न टू लिव विदाउट हर। मैं धीरे धीरे उसके बिना जीना सीख गया। द डॉक्टर वुड नॉट रिवाइव हिम। डॉक्टर उसे पुनर्जीवित नहीं कर सके। ही वुड रिमेन ऑनेस्ट इन ऑल हिज लाइफ। वह जीवन भर ईमानदार रहा। शी वुड रेडली अग्री विद मी। वह आसानी से मुझसे सहमत हो गई। शी वुड नॉट डू वॉट आई आस्क्ड हर। उसने वह नहीं किया जो मैंने उससे कहा। आई वुड गेट द इन्वेस्टर इजली। मुझे निवेशक आसानी से मिल गया। हिज वाइफ वुड नॉट लेट मी टॉक टू हिम। उसकी पत्नी ने मुझे उससे बात नहीं करने दी। शी वुड शो दैट इवन पीपल बिलो 40 कुड बी ग्रेट इन्वेंटर्स। उसने दिखा दिया कि 40 से नीचे के लोग भी महान आविष्कारक हो सकते हैं। आई गॉट सो फ्यूरियस दैट वेन ही केम ओवर आई वुडंट लेट हिम इन द हाउस। मैं इतना गुस्सा हो गया कि जब वह आया तो मैंने उसे घर में नहीं घुसने दिया। विद इन 2 ईयर्स ही वुड बाय द सेम कंपनी। 2 साल के भीतर उसने वही कंपनी खरीद ली। द कार वुड नॉट स्टार्ट दिस मॉर्निंग। कार आज सुबह चालू नहीं हुई। He wanted to destroy the company because they would fire him. वह कंपनी को नष्ट करना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसे बर्खास्त कर दिया था। They would start their own car company. उन्होंने अपनी खुद की कार कंपनी शुरू की। That is all, friends, for today. Please subscribe to this channel if you haven't subscribed to it yet, and share this video with as many people as you can. Thank you, friends, for watching this video. Bye, friends.